गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन परिस्थितियों ने राजकुमार को गौतम बुद्ध बनने पर मजबूर कर दिया। वो कौन सी परिस्थिति थी जिनसे वो इंस्पायर्ड हुए कि जय सांसारिक जीवन को छोड़कर अध्यात्म जीवन को अपनाया जाए। द क्वेश्चन इज हेयर। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। व्हाई डिड द साइट ऑफ द ओल्ड, द सिक एंड द डेड मैन मूव द प्रिंस सो डीपली। यानी कि कौन से जो दृश्य हैं, जो ओल्ड आदमी, बूढ़े आदमी का दृश्य है, बीमार आदमी का दृश्य है और जो डेड बॉडी का दृश्य है, उसने राजकुमार को अंदर तक क्यों हिला दिया था, अर्थात उसके दिल में परिवर्तन क्यों ला दिया था। तो आंसर इज हेयर फ्रेंड्स। प्रिंस वॉज द ओनली सन ऑफ द किंग शुद्धोधन। यानी कि राजकुमार राजा शुद्धोधन का इकलौता बेटा था। ही वॉज लिविंग हैप्पीली, वह खुशी खुशी रह रहा था। ही वॉज केयर फ्री, और वो चिंता से मुक्त था। ही वॉज गिवन ऑल द जॉयज ऑफ लाइफ, और उसे जीवन के सारे सुख मिले हुए थे। वन डे ही विजिटेड द सिटी, एक बार वो शहर में घूमने के लिए गया। द साइट ऑफ द ओल्ड मैन, जो दृश्य था बूढ़े व्यक्ति का, द सिक एंड द डेड, बीमार व्यक्ति का और डेड बॉडी का, मोड हिम वेरी डीपली, तो उसे अंदर तक हिला दिया, यानी कि उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया। द रीजन्स आर गिवन बिलो, इसके जो कारण है वो नीचे दिए गए हैं। एंड द फर्स्ट वन इज हिज ऑन लाइफ, यानी कि उसका अपना ही जीवन, किस तरह का। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन ए रॉयल फैमिली, राजकुमार एक शाही परिवार में जन्मा था। हिज फादर लव्ड हिम वेरी मच, उसके पिताजी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही बिल्ट 3 पैलेसेज फॉर द प्रिंस, उसने राजकुमार के लिए 4 महल बनवाए थे। नो सैड पर्सन वॉज अलाउड टू एंटर हिज पैलेस, कोई भी दुखी व्यक्ति उसके पैलेस में, उसके महल में प्रवेश नहीं कर सकता था। द प्रिंस सॉ नो बैड साइट, राजकुमार को कोई भी बुरा दृश्य नहीं दिखाई पड़ता था। ही हैड नो नॉलेज अबाउट ओल्ड एज डिसीज एंड डेथ, उसे बुढ़ापे की, बीमारी की और मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वैन ही वॉज ऑन द फर्स्ट विजिट टू द सिटी, जब वो अपने शहर की पहली यात्रा पर था, ही सॉ एन ओल्ड मैन, तो उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। द ओल्ड मैन वॉज ए स्ट्रेंज थिंग टू हिम, और जो बूढ़ा आदमी था वो उसके लिए एक स्ट्रेंज थिंग थी, बहुत ही ज़्यादा विचित्र बात थी। टू हिम इट मूव्ड हिम डीपली, तो इस वजह से इस चीज़ ने भी उसको अंदर तक हिला दिया था। दूसरी जो चीज़ थी वो थी रियलिटी टोल्ड बाय चन्ना, यानी कि चन्ना ने भी उसे कुछ रियलिटी बताई थी। जब वो विजिट पर जाता था, घूमने जाता था शहर में, तो व्हेन द प्रिंस सॉ ऑन एन ओल्ड मैन, जब राजकुमार ने एक बूढ़े आदमी को देखा, ही आस्क्ड अबाउट हिम, तो उसने उसके बारे में चन्ना से पूछा। चन्ना टोल्ड हिम दैट ओल्ड एज कम्स टू ऑल, चन्ना ने उसे बताया कि जो बुढ़ापा है वो सबको आता है। मैन लॉसेज हिज पावर, आदमी अपनी ताकतें खो देता है। ऑन द सेकेंड विजिट, दूसरी यात्रा पर जब वो शहर की जाता है, द प्रिंस सॉ ए सिक मैन, तो राजकुमार को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, क्राइंग विद पेन, जो दर्द से चिल्ला रहा है। एंड ए डेड बॉडी बर्निंग ऑन द फायर, और एक जो मुर्दा है वो चिता पर जल रहा है, तो ये दृश्य उसे दिखाई देता है। चन्ना टोल्ड द प्रिंस, राजकुमार को चन्ना बताता है, दैट द सिक मैन वॉज सफरिंग फ्रॉम ए डिसीज, यानी कि जो बीमार आदमी है वो एक प्रकार की बीमारी से, एक ड्रेडफुल डिसीज, एक बीमार की बीमारी से ग्रस्त है, जो भयंकर बीमारी है, यानी कि जो बीमार आदमी है वो एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त है। ही वुड डाई सून, और जल्दी ही वह मर जाएगा। डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ, जो मृत्यु है वो जीवन का अंत है।
एवरीवन इज़ मॉर्टल, और हर एक चीज़ जो है वो नश्वर है, प्रत्येक व्यक्ति नश्वर है, यानी कि उसका नाश होना ही अर्थात मृत्यु आनी ही आनी है। सो द प्रिंस बिकेम वेरी सैड, इसलिए राजकुमार बहुत दुखी हो गया। ही केम टू नो द रियलिटी ऑफ लाइफ, उसने जीवन की सत्यता को भांप लिया था, समझ लिया था। इन दिस वे द साइट ऑफ द ओल्ड मैन, द सिक मैन एंड द डेड मैन मूव्ड द प्रिंस सो डीपली, और यही कारण है कि इस इन सभी दृश्यों ने जो डेड मैन का दृश्य था और जो बीमार आदमी का दृश्य था और बुढ़ापे का दृश्य था, वो जब उसके सामने आया तो उसने उसकी अंतरात्मा को बदल दिया और अंतरात्मा को हिला दिया। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में इतना ही। तो मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं इसी तरह की और वीडियो लेकर के आपके लिए लाता रहूँ। ये 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू वेरी मच।